उस पार्टी से जुड़ा भ्रष्टाचार जिसने दिल्ली की जनता को करप्शन फ्री गवर्नमेंट देने का वादा और दावा किया था, लेकिन अब खुद करप्शन से बहुत संगीन आरोपों से घिरी हुई है। उससे भी गंभीर बात तो यह है कि करप्शन केजरीवाल के साढ़ू सुरेंद्र कुमार बंसल की कंपनी से जुड़ा हुआ है। हालांकि सुरेंद्र कुमार बंसल इस दुनिया में अब नहीं रहे। बहरहाल, इस लेटेस्ट करप्शन स्टोरी में तीन बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, मुख्य किरदार अरविंद केजरीवाल, पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन और केजरीवाल के साढ़ू की कंपनी रेणु कंस्ट्रक्शंस। देखिए कैसे फर्जी बिलों, बोगस कंपनियों के जरिए करोड़ों करोड़ों का खेल हुआ। 22 लिखा है तो कोई प्लॉट नंबर है इसमें? 22 नहीं, नहीं तो ये नहीं पता। 22 हाँ, दिल्ली की जनता को लूटने की ये वो कलंक कथा है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। भ्रष्टाचार पर चोट के वादे के साथ दिल्ली में सरकार बनाने वाले केजरीवाल की नीयत और नीति में ही खोट नहीं है, बल्कि बिलों के फर्जीवाड़े के जरिए समझिए कैसे करोड़ों का खेल हुआ। रोड एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन यानी RACO नाम की NGO ने RTI के जरिए जो दस्तावेज हासिल किए उसके मुताबिक आरोप ये है कि केजरीवाल के साढ़ू सुरेंद्र कुमार बंसल की कंपनी रेणु कंस्ट्रक्शंस को PWD ने 2015 से 2016 के बीच दिल्ली में जीवर और नाली बनाने का काम ठेके पर दिया था। आरोपों के मुताबिक नियमों को ताक पर रखकर इस काम के करीब 10 करोड़ रुपए के बिल पास कर दिए गए। ये बिल बोगस कंपनियों के नाम ही पास किए गए। आरोपों के मुताबिक केजरीवाल के साढ़ू सुरेंद्र कुमार बंसल ने महादेव इम्पैक्ट से ड्रेनेज सिस्टम के लिए कंस्ट्रक्शन मटेरियल खरीदा। इस कंपनी का एड्रेस सोनीपत में B22 इंडस्ट्रियल एरिया का दिया गया था, लेकिन सोनीपत में इस पते पर महादेव इम्पैक्ट नाम की कोई कंपनी है ही नहीं। महादेव इम्पैक्ट के नाम से बिल फाइल किए गए, एड्रेस दिया गया B22 इंडस्ट्रियल एरिया सोनीपत। इस वक्त हम उसी इंडस्ट्रियल एरिया में हैं और यहाँ B22 नाम का कोई प्लॉट है ही नहीं। किस इलाके का नक्शा है? इस इंडस्ट्रियल का है, ये सोनीपत इंडस्ट्रियल एरिया है। सोनीपत इंडस्ट्रियल। और जो ये B22 लिखा है तो कोई प्लॉट नंबर है इसमें? B22 नहीं जी, नहीं, बी का कोई ब्लॉक ही नहीं, बी का कोई प्लॉट नहीं इसमें, कोई प्लॉट नहीं। रोड एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन नाम की NGO के कार्यकर्ता राहुल शर्मा ने मामले को उठाया था। इन कंपनियों के माध्यम से इन्होंने PWD डिपार्टमेंट से काम लिए। काम लेने के बाद इन्होंने क्या किया कि मटेरियल प्रोक्योर करने के नाम पे इन्होंने फ्रॉडुलेंट कंपनीज के फेक बिल्स जनरेट किए, तो उन्होंने वो फर्जी बिलों के नाम पे PWD डिपार्टमेंट से करोड़ों रुपए निकाल लिए। एंटी करप्शन ब्यूरो ने NGO RACO की शिकायत के आधार पर तीन मामले दर्ज कर लिए हैं, क्योंकि ये तीन अलग अलग कंपनियां हैं, लिहाजा तीनों पर जालसाजी, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धाराओं के तहत तीन अलग अलग FIR दर्ज की गई है। करोड़ों के फर्जी बिल पास किए जाने के इस खेल में इन कंपनियों के अलावा PWD के कुछ अफसरों के नाम भी सामने आ रहे हैं और इसमें के अंदर तीन मुकदमा दर्ज किए हैं। तीन मुकदमा इसलिए दर्ज किए हैं कि अलग अलग कंपनी है तीन, कि जो बिल्स वगैरह हैं वहाँ से बिल फर्जी लगाए, जो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती उस कंपनी के भी उसमें बिल लगा दिए गए हैं। आरोप ये है कि केजरीवाल और PWD मंत्री सत्येंद्र जैन ने सुरेंद्र बंसल को ठेके देने के लिए पद का दुरुपयोग किया। सत्येंद्र जैन जिस PWD के मंत्री हैं, उस PWD से एक ऐसा बिल भुगतान हो गया जो पूरी तरह से फर्जी है। एक नाले की मरम्मत के लिए जो बाकली गांव में है, उसके मरम्मत के लिए 10 करोड़ रुपए भुगतान हो गए, उस नाले का कोई भी मरम्मत नहीं हुआ। वहीं केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले कपिल मिश्रा ने आज ACB के दफ्तर जाकर टैंकर घोटाले में अपना बयान दर्ज करा लिया। कपिल मिश्रा ने PWD घोटाले में बिलों के फर्जीवाड़े के लिए सीधे तौर पर केजरीवाल और सत्येंद्र जैन को जिम्मेदार ठहराया है। आज केवल और केवल टैंकर घोटाले के बारे में अपना पूरा बयान वो दर्ज करा के आया हूँ एंटी करप्शन ब्यूरो में, और उसके बाद मंडे को एक बार दोबारा जाना है। केजरीवाल इन कागजातों को नहीं झुठला सकते हैं। केजरीवाल इनकम टैक्स और RTI के जरिए सामने आई इस जानकारी को आरोप कहकर खारिज नहीं कर सकते हैं। सोनीपत से पवन नारा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, Zee Media।
वैसे जमीन से जुड़े होने का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों को अब जनता के पैसों पर हवा हवाई सफर की आदत लग गई है, विदेशी दौरों की भी आदत लग गई है। एक और खुलासा हुआ और ये खुलासा आरटीआई से हुआ है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, इन्होंने लाखों रुपए विदेश यात्राओं पर खर्च किए हैं और हैरानी आपको पता है किस बात की सबसे ज्यादा है? स्टडी टूर किसी भी मंत्रालय के नाम पर क्यों ना हो, जाना आम आदमी पार्टी के खास आदमी का ही होता था। खर्चा जनता का, विदेश यात्राएं आम आदमी पार्टी की। कोई आपको इनवाइट किसने किया था उस दिन इटली रोम के लिए, कैसे चर्च के लिए? दिल्ली की जनता की कमाई केजरीवाल ने विदेश यात्राओं पर उड़ाई। कपिल मिश्रा ना जाके दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया उस अधिवेशन में गए थे। आरटीआई कार्यकर्ता संजीव जैन ने सूचना के अधिकार के जरिए ये जानना चाहा था कि दिल्ली के मंत्री हवाई यात्राओं पर कहां कहां गए, क्यों गए, किसके साथ गए, और जो जानकारी सामने आई है वो हैरान करने वाली है। पहले ये देखिए कि सिसोदिया कहां कहां होकर आए हैं। सिसोदिया अप्रैल 2015 में एथेंस, अगस्त 2015 में ब्राजील गए, सितंबर 2015 में ऑस्ट्रेलिया, मार्च 2016 में लंदन, 2016 मई में बर्लिन, 2016 सितंबर में फिनलैंड होकर आए। मनीष सिसोदिया ग्लोबल वाटर समिट में हिस्सा लेने एथेंस गए, जबकि दिल्ली के जल मंत्री कपिल मिश्रा थे। ब्राजील सिसोदिया ये सीखने गए कि दुनिया में स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में क्या नए ट्रेंड आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में सिसोदिया ये जानने के लिए गए कि वैट और जीएसटी का वहां कैसे इस्तेमाल हो रहा है। लंदन में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में राजनीति पर आयोजित कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने गए। सिसोदिया ने बर्लिन में जर्मन हैबिटेट फोरम में हिस्सा लिया। सबसे महत्वपूर्ण आपको बात बताना चाहता हूँ कि ये जो समिट थी वो वाटर्स के समिट थी और जल मंत्री हमारे कपिल मिश्रा थे। कपिल मिश्रा ना जाके दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया उस अधिवेशन में गए थे। तीसरे नंबर पे फिर ऑस्ट्रेलिया गए हैं मनीष सिसोदिया जी। मनीष सिसोदिया जो वो गए हैं वो भी स्टडी टूर पे गए हैं वैट जीएसटी के लिए। भाई आप वैट और जीएसटी के लिए आप जा रहे हैं और दिल्ली विधानसभा में आपने वो वैट और जीएसटी आज तक पेश भी नहीं किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रोम गए, लेकिन बड़ा सवाल ये कि साथ में सत्येंद्र जैन क्यों गए? मदर टेरेसा को संत का दर्जा दिए जाने के मौके पर केजरीवाल सत्येंद्र जैन को इटली क्यों ले गए थे? आरटीआई से मिले दस्तावेज बताते हैं कि सत्येंद्र जैन 10 सदस्यीय टीम के साथ मैनचेस्टर में हेल्थ एंड केयर इनोवेशन एक्सपो में हिस्सा लेने गए। एयर पोल्यूशन, स्मार्ट लिविंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और वेस्ट एंड वाटर मैनेजमेंट को कैसे बेहतर किया जाए, ये समझने सत्येंद्र जैन स्वीडन गए। सत्येंद्र जैन मलेशिया एलिवेटेड बीआरटी देखने गए। थाईलैंड में बैंकॉक कन्वेंशन सेंटर के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ये स्वीडन गए हैं सत्येंद्र जैन और इनके साथ 10 आदमियों का डेलीगेशन गया। इसमें एक मिनिस्टर साथ में गए गोपाल राय। गोपाल राय और सत्येंद्र जैन दोनों जगह और 8 जनों का डेलीगेशन का जो अधिकारियों का है वो गए साथ में। और सातवां टूर मलेशिया का सत्येंद्र जैन ने लगाया है, वो भी उनके साथ में एक दो आदमी डेलीगेशन के साथ में गए हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं को किस हैसियत से विदेश यात्राओं पर ले जाया गया? ईमानदारी की राजनीति का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार ने ईमानदारी का सिर्फ ढोंग किया और दिखावे की राजनीति की। दिल्ली और देश की जनता अब केजरीवाल का असली चेहरा देख रही है। निवृत्ति मोहन, जी मीडिया, दिल्ली। विदेश दौरे जाने से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, दौरा करने से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस मकसद से गए थे क्या वो मकसद दिल्ली में बदलाव के तौर पर, परिवर्तन के तौर पर नजर आया? दिल्ली वालों ने कहा नहीं।